हेलो गाइस, की हाल है जी। सब दा उम्मीद करने तुसी सारे ठीक ठाक हो गए। अल्लाह पाक दी रहमत ते फजल करम नाल सी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो हल्की फुल्की हवा चल रही है, देख सकते हो तुसी छाओं ते मौसम सही है। मेरी आवाज़ तो लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हैगी, लेकिन फिर भी वीडियो शुरू करने तो पहले तुहाडे तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल में लाइक शेयर ते सबसक्राइब। बेसिकली तो अज तो मैं स्टार्ट कर रही सा मंडे तो, कि भी मैं अपनी ना मंडे संडे संडे मंडे ट्यूसडे वैनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो इस तरह रूटीन वाइज तेरे नाल शेयर करांगी कि भी मेरा की रूटीन रहिंदा है। लेकिन कल कुछ इस तरह का मिसहैप होया मेरे नाल कि भई मैं तेजाब मंगवाया सी सिंक वगैरह या वाशरूम वगैरह धोन वास्ते, उन्हें जो ही मैं बोतल खोली ना तो वह तेजाब चढ़ गया मैं, जिसकी वजह तो मेरी हालत इन्नी बुरी सी कि तकरीबन 4-5 घंटे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी। तो डॉक्टर भी नहीं सी मिलिया, लेकिन यह कि अल्लाह पाक दी रहमत ना बस जिसने कहते ना कि रब ते भरोसा हो तो रब जरूर करम कर दे। तो फिर उस तरह कि एक मैंने पता नहीं सी कि इस तरह की कोई कम हो जाए तो भाई मिठा नहीं खाना, मैं मिठे जूसेस वगैरह इस तरह चीज़ा पीती खाती रही। तो खैर रात 9-9:30 बजे के करीब मेरी तबीयत ठीक हो गई। सुबह उठे तो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो देख सकते हो जिस तरह के सफाइया वगैरह भी अधूरिया ही हैं। बस कुछ झाड़ू वगैरह हल्का फुल्का लगाया सी तो पौद्या कर दिता सी। फिर मैं सोचा था ना ब्लॉग तो शेयर करना ही है तो कुछ अपनी तबीयत बारे भी शेयर कर लव। हालांकि मैं कभी भी मेरे ना इस तरह नहीं हुआ तेजाब नाल कि मैं तेजाब खोलिया हुआ तो मेरे ना इस तरह हो, लेकिन ये पता नहीं मैदे की खराबी है, पता नहीं की रोल है। देख सकते हो मैं तुम्हें दिखावा हूँ भी कि यह वाली बोतल है तेजाब की, इन मैं जो ही ढक्कन खोलिया तो चढ़ गया मैं बस। तो देख सकते हो जो कि सफाइया ना कुछ भी नहीं ना पानी पौद्या बेचारे की हालत देखो की हुई पी है। तो कुछ इतना खास नहीं मैं किया है अज, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मैं क्या ब्लॉग का नागा ना हो ब्लॉग लाजमी शेयर करा। तो ऐसे ले मैं ढीर बन के उठी हाँ, मैं क्या खाना छाना बनाइए तो तेरे ना ब्लॉग शेयर करिए। बस ये चीज़ा कुछ अंदर बाहर कीतिया ने, सफाई वगैरह भी कुछ नहीं की है अभी तक। रात चाय वगैरह बनाई सी, बर्तन शर्तन सारे उस तरह पैसों वो हूँ धोए ने। तो हूँ मैं बनाई है जी रोटी सालन, बस पहले वाले ही पै सी जिमें कि मैं तुम पहले भी ब्लॉग दसिया सी कि असी सालन वगैरह जिस तरह चीज़ा ज़ाया नहीं करते। तो बस उन्होंने ही गर्म कर रही अपने जान, मैं थले चूल्हा जला के गई सी लेकिन चूल्हा तो बंद है अरे थले, मैं समझी सी मेरे आने ना सालन गर्म हो जाने। तो बस हूँ भुख बहुत ज़्यादा लगी खड़ी क्योंकि रात भी रोटी नहीं खाधी, फिर कुछ होर परेशानियाँ बन गई सी। बस इन्ह चक्कर मैं कल का कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं सी किया, मैं क्या सुबह सुबह चलो ताड़ना ब्लॉग स्टार्ट करे, लेकिन आज भी सुबह का तो नहीं। खैर हूँ 11 का टाइम हो चुका है तो मैं सोचा मैं ताड़ना ब्लॉग शेयर करा। बस कुछ रोटी बनाई, मेरा हूँ दिल कर लिया कि मैं चूरी बनावा तो चूरी मैं ताड़ना बना दिया जरूर शेयर कराँगी कि चूरी अज किस तरह बनाई। लेकिन पहले मैं सोचा कि पहले मैं अपनी तबीयत का तुहाड़े नाल शेयर कर लव कि अगर बंदा किसी ने शेयर करता है ना फिर वो अंदर दिल की भड़ास निकल जाती है, इंसान ना बड़ा हल्का हल्का फील कर लग जाता है। हालांकि अबू भाई सारे मेरे ना रात गल्ला भी कर लगे हर चीज़ ही, लेकिन फिर भी मैं क्या सोचा तुहाड़े नाल अपनी यूट्यूब फैमिली ने शेयर किया जाए। तो दूसरा कोई इतना बड़ा मसला नहीं सी बनया कि डॉक्टर को लाजमी जाना पैना, किसी वक्त मैं ढक्कन खोलिया उस तो बाद होया कि बस वो मैं चढ़ गया। हालांकि पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ या फिर मैं लगता है स्ट्रोंग होना है थोड़ा इस गलो, और फैमिली काफ़ी सारे इशूज मसले मसायल चल रहे हैं। बस ऐसे वजह तो ही डिप्रैशन लै लै के शायद मेरा बीपी पहले बहुत ज़्यादा तेज रहा है उस वजह करके कोई मसले मसायल बन रहे हैं, तो इसलिए तबीयत ही नहीं ठीक रह रही। तो ब्लॉग तो जाहिर है मैं तुहाडे नाल शेयर करना ही करना है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का एम बनाया कि मैं 365 दिन ही ब्लॉग शेयर करना है अपनी यूट्यूब फैमिली ना।
ते तुहाडे तो भी सपोर्ट की उम्मीद है कि तुसी मेरे ब्लॉग देखोगे, सबसक्राइब लाइक शेयर लाजमी करोगे। तो हुण मैं पहले ऐसे लई कह देनी आ क्योंकि अक्सर मैं याद ही नहीं रहा एंड च कहना। फिर जो भी मेरे चैनल पर नया आता ब्लॉग तो देखता लेकिन सबसक्राइब वगैरह नहीं करता। सालन जिस दिन तक गर्म हो रहा मैं तुझे रेसिपी शेयर कर देवा चूरी बनाने की, क्योंकि मेरा चूरी खाने का बड़ा दिल कर रहा है। देखो मैं परौठा बनाया, तुम चाहो तो ज़्यादा घी वाला भी बना सकते हो, मैं हल्के घी वाला बनाया। तो इनका चूल्हा भी बंद कर देने, सालन बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो गया। तो देखो इस तरह का असं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करने हैं रोटी के, फिर यह असं इस तरह मसल के भी कर सकते हैं। तो ये ना पहले मैं जिस तरह बाल वाले परौठे का पेड़ा बना उस तरह बना के फिर उन्होंने पकाया, उत्ते मैं हल्का घी लाया क्योंकि मैं ज़्यादा रोटी तो घी पसंद नहीं, चूरी के भी मैं बिल्कुल हल्का पावगी। अच्छा जिस तरह असं हम पंजाबी हाँ, पंजाबी इस तरह की चूरी बनाते हैं, तो जो सरैकी ने होर तरह की चूरी बनाते हैं, उन्होंने रेसिपी अलग है लेकिन बनाते वह भी रोटी ना ने। मैं सोचा कि अच्छा ते चूरी की रेसिपी शेयर करा कि किस तरह चूरी बनाई जाती है, पंजाबी किस तरह बनाते हैं, तो बाकी किस तरह बनाते हैं। फिलहाल मैं कैमरा रख के ना इन तोड़ के दिखानी हाँ। यह देखो जी कुछ मैं तोड़ लिए, फिर मैं क्या कि तुहाडे नाल जैसे जहर रेसिपी शेयर करना तो तुहानू पता भी तो होवे ना कि किस तरह बन ली। ये अज थोड़ी जी ठंडी हो गई है लेकिन इन बिल्कुल तवे तो उतार दें, सारे बनाओगे ना फिर हाथ बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाने। मैं थोड़ी सेंधी सेंधी की है कि ताकि हाथ लगन। तो बाकी देखो कुछ इस तरह की असी तोड़ ली है ना, बाकी इन असी देसी घी पा के ना फिर तोड़ांगे। मैं देखो जी थोड़ा जहा देसी घी मैं बनाया, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पा देंगे। देखो इस तरह जो देसी घी या मक्खन या तुम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो ना फिर रोटी थोड़ी गिली गिली हो जाती है, जिस तरह के तुम नज़र आ रहा है। अच्छा मैं इन बहुत कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन फिर भी कैमरे के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जो मेरी नानी अम्मी या दादी अम्मी या मेरी अपनी अम्मी मैं बना के देंगे सी ना, तो वो बहुत घी वाली होंगी सी। मक्खन वाली चूरी का अपना ही टेस्ट है, देसी घी वाली का अपना ही टेस्ट है। तो इस टाइम मेरे को मक्खन है नहीं सी, मैं इसलिए देसी घी इस्तेमाल कर लिया क्योंकि मक्खन ज़्यादा देर रखना खराब हो जाता है, जिमें कि असं बहर दीज़ा इस्तेमाल नहीं करते, जिमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहरों नहीं लैके आते स्टोर वगैरह तो, असं घर के चीज़ा बना के तो उन्होंने इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह तुम देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। देखो कि खुश्क खुश्क लग रही है तुम, बस मैं हूँ क्योंकि मैं इतना घी पाना से हूँ मैं सिर्फ हल्की जी चीनी पानी कि ताकि कोई भी बाइट लवान तो उनके चीनी का जायका आए। देखो मेरे हाथ ना घी सिर्फ तुम नज़र आ रहे लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं, खुश खुश रोटी है। जो नानी अम्मी हो कोई भी बना के देता सी ना वो इन्नी वो होंगी सी कि इस तरह घी दे घी के ना इस तरह जम जाती सी, इन्हें उन्हें घी पाया हों। देखो जी चूरी सारी बन के हो गई है तैयार, इन्हू ना मैं लगता थोड़ी ठंडी होगी, मैं तवे तो रख देनी तो बाकी सारी चीज़ा समेट के ताड़े ना फाइनल दस्तरखान तो मिलते हैं। देखो जी फाइनली अस दस्तरखान से पहुँच गए हैं, अचूरी खाना शाना सालन वगैरह हर चीज़। उम्मीद करने तुम आज का वीडियो पसंद आएगा, ऐसे दिन चैनल लाइक करो शेयर करो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी नवे ब्लॉग में, उदों तक जी अल्लाह हाफिज़।